तो गाइस क्या होगा जब रोमन रिंस मिलेंगे अवतार के जैक सैली से। गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाना। Here we go. तो चलो भाई अब बैकस्टेज ब्रॉल मैच में रोमन रिंस का मीटअप करवाते हैं अवतार जैक सैली का। देखते हैं इस मैच में कौन बाजी मारता है। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नहीं किया है अभी तक आपने सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हे वी गो गाइस। तो ये एक बैकस्टेज ब्रॉल मैच होगा जिसमें एक एक फिनिशर्स है और बैकस्टेज ब्रॉल में आपको पता ही होगा कि नॉकआउट है वो ऑन रहता है। तो ओके भाई लोग मैच हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पर यार रोमन रेंस अपने ब्लड लाइन के साथ जा रहे थे, आप जानते हो ना आज स्मैकडाउन था और स्मैकडाउन शो में इनका वापस रिटर्न आना था। तो बीच में भाई अवतार के जैक सैली से टकरा गए बैकस्टेज में और ब्लड लाइन्स के जो बाकी मेंबर्स थे रोमन रिंस को छोड़कर वो चले गए हैं ऑडियंस अपने रिंग के साइड। अकेले बैकस्टेज में रह गए हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंस और भिड़ गए हैं भाई जैक सैली के साथ। अब देखते हैं भाई भिड़े हैं तो ये मैच जीतेंगे या फिर हार के जाएंगे, भाई कैसे जाने वाले हैं रिंग के अंदर। देखते हैं ग्लिटिल लगा दिया है स्टार्टिंग में, एक फिनिशर्स थी इनके पास ऑफकोर्स, और बैकस्टेज में जो फाइट होती है आपको पता ही होगा कि भाई नॉकआउट ऑन ही रहता है, ज्यादा मार खाने से एलिमिनेट हो जाएगा यानी वो मैच हार जाएगा। देखते हैं भाई कौन डोमिनेट कर पाता है, अवतार के जैक सैली या फिर हमारे WWE के बेस्ट एवर रेसलर रोमन रिंस ट्राइबल चीफ। ब्लड लाइन्स को अभी बिल्कुल भी खबर नहीं है कि रोमन रिंस का मैच चल रहा है बैक स्टेज में जैक सैली के साथ। वैसे भाई अवतार के द वे ऑफ वाटर जो अवतार ऑफकोर्स सीजन 2 बोलेंगे अपन या 2, जिस दिन भाई लोगों ने देखी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये मूवी, क्योंकि अवतार हमेशा ट्रेंडिंग में बनी रहती है अपनी CGI VFX के कारण। इनके जो CGI जो VFX होते हैं बहुत ही मतलब हाई होते हैं भाई, और इसी कारण आई थिंक अवतार की जो सीरीज है वो पसंदीदा बनी हुई है। चलो फुल डैमेज दिया जा रहा है भाई और रोमन रिंस का जो हेड है वो येलो कर दिया है भाई जैक ने। रोमन रिंस की वापसी करने की मतलब रोमन रिंस वापस करने का ट्राई कर रहे थे बट जैक नहीं करने दे रहे हैं, आज तो फुल डोमिनेट मूड में नजर आ रहे हैं भाई। थोड़ा सा और डैमेज और आई थिंक रोमन रिंस नॉकआउट से एलिमिनेट हो सकते हैं यानी हार सकते हैं भाई ये, क्योंकि अभी फिलहाल डोमिनेट नहीं कर पा रहे। अब जाकर थोड़ा सा काउंटर करने का ट्राई किया है रोमन रिंस ने, देखते हैं भाई क्या होगा। एक लाइव स्ट्रीम और वीडियोज आने वाली है बहुत ही जल्द भाई, तो वेट करिएगा। अभी फिलहाल के लिए जैक सैली और रोमन रिंस का ही मैच देखिए बैकस्टेज के अंदर ही, कोई भी इंटरप्ट कोई भी रेफरी नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर यार डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, खतरनाक फिर से स्टंट कर दिया है और अवतार जैक सैली के पास आ चुके हैं सिग्नेचर और रोमन रिंस की पूरी हेल्थ डाउन कर दिया है भाई। जैक आज फुल फॉर्म में है, गोड मोड जैक सैली का है और ये अपना सिग्नेचर भी डाल दिया है और फिनिशर्स आ चुकी है। रोमन रिंस का हेड बिल्कुल रेड हो चुका है, अब थोड़ा सा और डैमेज लिया तो भाई साहब एलिमिनेट हो सकते हैं। अब जाकर रिवर्स का कोई फायदा नहीं, रोमन रिंस के पास भी सिग्नेचर है और अभी तक जैक सैली का जो बॉडी है सुपरमैन पंच तो दे दिया है, इससे जाकर इनका हेड थोड़ा येलो मिला वरना बिल्कुल रिफ्रेश बॉडी के साथ ही और साथ में ग्लिटिल लगा दिया। जीत सकते हैं क्या अभी, हेड बिल्कुल नहीं ज्यादा डैमेज नहीं है और फर्स्ट आई थिंक दूसरे फिनिशर से डाली है यार सिग्नेचर और फिनिशर टक्कर दे दिया है, ऑरेंज कर हेड बचा लेंगे। बट अभी रोमन रिंस का हेल्थ ज्यादा डैमेज है और इसके पास फिनिशर्स भी है और फाइनली फिनिशर डालकर जीत गए हैं भाई अवतार के जैक सैली। तो भाई लोगों इस मैच से हमें यही उम्मीद थी क्योंकि स्टार्टिंग में जो जैक सैली रोमन रिंस को डोमिनेट कर रहे थे ना खतरनाक तरीके से पीट रहे थे, तो लग ही रहा था कि जैक सैली इस मैच के विनर होने वाले हैं। और वैसे भी आज रोमन रिंस की रिटर्न वापसी हुई है तो यहाँ पर हमने ऐसे ही एक अतरंगी मैच कर दिया है। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक जरूर करके जाना है और वेट कीजिएगा कल या परसों में एक खतरनाक वीडियो जाने वाली है, क्लाउड गेमिंग के ऊपर आ सकती है या फिर एक अलग वीडियोज भी चैलेंजिंग वीडियोज आ सकती है, तो वेट कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।